गुड मॉर्निंग यान, निगाह क्या है आपके पास? चॉकलेट। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? वैसे गुड आफ्टरनून हो गया है और क्या ना गया है स्कूल से और बहुत ही हैप्पी हो गया है ना क्या? किसने चॉकलेट दी आपको? अंकल ने। ओके, चलो दादा ने। ओके, तो सुबह सुबह आज ममता भाभी तमन्ना सब लोग आए थे तो बैठे थे हम धूप में, ऐसे ही टाइम निकल गया और कियान को लाने का टाइम भी हो गया। बस चलो चलो चलो, लेट्स गो। शू खोली दो, चॉकलेट के शूज खोली दो। देखो रोज उसको है ना शूज खोलना होता है, कपड़े निकालने होते हैं, आज हम चॉकलेट खोल दो। चलो, आज मैं सुबह सुबह गई थी कुछ सामान लाने के लिए। वो सामान ये था कि मुझे आज शाम को है ना मैक्सिकन डिश बनानी है, जो आपको कल चिराग ने वीडियो में बताया था, तो पहली बार बनाने जा रही हूँ। आई होप कि अच्छा बन जाए। अच्छा बनने के बाद हम वापस दूसरी बार ट्राई करेंगे, पर पहली बार तो बना लें कि कैसा बनता है। पहले अभी कियान से निपटते हैं। कियान मम्मा आपके लिए क्या लेके आई है? देखो इधर देखो, पपीता पपीता है, फिर ये मक्के का पोहा है, सेब है। पपीता खाओगे नहीं? चॉकलेट खाओगे? चलो भैया, आज तो बहुत सारा काम पड़ा, ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि हम है ना बात में लग गए थे तीनों, तो दोपहर के खाने में बैंगन का भरता और बाकी बनेगी। हाँ बेटू, हाँ आपने लंच बॉक्स कंप्लीट किया? ओके चलो भाई, अभी स्टार्टिंग कर देते हैं हम बनाने का चिपोटले। तो यहाँ पे राजमा लिया है और जिसको मैंने सुबह में भिगो दिया था गर्म पानी में और अभी बॉईल करने के लिए रख दूंगी। कियान सोया हुआ है पर अभी जब वॉइस ओवर में दे रही हूँ ना तभी वो जग रहा है, तो उसका आवाज़ बैकग्राउंड में आपको ज़रूर आएगा। नमक डाल देंगे और उसको थोड़ा मिक्स करके फिर ढक्कन लगा देंगे और ये कुकर को रख देंगे साइड में और दूसरी साइड रखेंगे हम कॉर्न को बॉईल करने के लिए। तो कॉर्न को भी मैंने रख दिया कुकर में और उसमें डालेंगे पानी और उसमें नमक नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि ऊपर से हम जो नमक डालने वाले हैं फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको भी रख दिया मैंने दोनों को बॉईल करने के लिए। अभी ये दोनों कैप्सिकम को हम काट लेंगे। मैंने वैसे गैस चालू नहीं किया था, मैंने तैयारी करी है क्योंकि कैंस हो रहा था ना, तो मैंने सोचा बाद में दोनों गैस चालू करके फिर हो जाएगा। तो ये देखो रैप किया हुआ दोनों कैप्सिकम, रेड और येलो, बहुत ही फ्रेश फ्रेश लग रहा है क्योंकि ये रैप किया हुआ है, कल मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। और अभी इसको वॉश वॉश कर लेते हैं और साथ में टमाटर भी वॉश कर लेते हैं। तो ये हो गया है सारा रेडी, कैप्सिकम टमाटर और साथ में यहाँ पे ऑनियन भी छील के मैंने रेडी कर लिए है और नींबू। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें चाहिए नहीं, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो हम फ्रीज में रख देते हैं। और अभी गार्लिक हम कट कर लेते हैं, तो उससे पहले एवोकाडो देख लेती हूँ कि कैसा है अंदर से, वरना कभी कभी है ना गंदा निकलता है, मतलब ब्लैक पूरा निकलता है। तो पहले एवोकाडो का हम गुआकामोली बना लेंगे, तो उसके लिए मैंने बाउल निकाल लिया है यहाँ पे और ये छुरी, बहुत बड़ी छुरी जो ऐसे हम काटेंगे। चलो नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको कि कैसे कट करेंगे और कैसे बनेगा। तो अभी एवोकाडो को कुछ इस तरीके से हम कट कर लेंगे और अंदर से सरप्राइज़ निकलेगी, वो है इसका सीड। तो बहुत ही अच्छा निकला है और ऐसे ज़ोर से करके ये भी निकालेंगे। और अभी एवोकाडो को हम चम्मच की मदद से बाहर निकालेंगे, या तो आप कट करने के बाद फिर भी निकाल सकते हो। इसको आप है ना टोस्ट बना सकते हो, बहुत ही यम्मी लगता है। और चम्मच से मदद से ये जो ख़राब है वो निकाल देंगे और बाकी सारा देखो बहुत ही इजीली निकल जाता है, पर ये पका हुआ अच्छा है इसीलिए, वरना देखो ये कच्चा अगर होगा ना तो आपको बहुत मज़ा नहीं आएगा। हाँ बेटा, तो अभी ये दोनों में से हमने निकाल लिया है पल एवोकाडो का और बहुत ही अच्छे से आसानी से निकल गया है। और इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ये पहले तो क्लीन कर लेते हैं क्योंकि ये एक यहाँ पे बहुत महंगा मिल रहा है, ये मुझे पड़ा है 120 रुपये शायद, 120 या 130 में पड़ा है। नमक और नींबू डाल देंगे, कोई नहीं चलो प्राइस नहीं अभी बताना है क्यों भाई, वैसे ये महंगा ही मिलता है, मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मैंने नमक और नींबू डाल दिया, आप इसमें टोमेटो ऑनियन ग्रीन चिली वो सब कुछ डाल के भी बना सकते हो, मैंने सिर्फ नमक और नींबू ही डाला है। तो और मैं जो बोल रही हूँ वो डाल के आप टोस्ट के ऊपर लगा के भी खा सकते हो, ये बहुत ही यम्मी लगता है। और इसका आप
डीप बना के नाचो उसके साथ दिखा सकते हो। तो ये बहुत अलग अलग रीते यूज़ होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से मैश कर देंगे फोक की मदद से। आप वैसे मैश करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है चारों साइड से, और अभी बारी है सारे वेजिटेबल कट करने की। तो यहाँ पे जो मैंने येलो कैप्सिकम लिया है वो लंबी लंबी चिप्स में कट कर देंगे, और रेड कैप्सिकम भी वैसे ही कट करेंगे, और ऑनियन भी ऐसे ही कट कर देंगे। तो सारा हमारा काम फटाफट हो जाएगा। देखो ये रेड कैप्सिकम में से ग्रीन कैप्सिकम बाहर निकला, क्या बात है, ये तो मैंने पहली बार देखा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसकी डिलीवरी कर दी, क्योंकि अंदर से बेबी कैप्सिकम निकला, और बेबी कैप्सिकम भी ऐसा निकला कि उसका कलर ग्रीन था, ऊपर रेड और अंदर ग्रीन, ऐसे निकला बेबी कैप्सिकम। देखो देखो पूरा का पूरा बेबी कैप्सिकम अंदर से निकला है, मेरे सामने देख के कियान हंस रहा है। तो चलो ये सबको साइड में रख के और अभी ऑनियन कट कर लेते हैं, और सारे वेजेस जो मैंने बताए उसी तरीके से हमें फटाफट से कट कर लेने हैं। तो अभी मैं यहाँ पे टोमेटो कट कर दूँगी, हमें सालसा बनाना है, उसके लिए छोटे छोटे टोमेटो चाहिए, छोटे छोटे कट के ऑनियन चाहिए, और कॉर्न चाहिए जो हमने बॉयल करने के लिए रखे हैं। अभी गैस चालू नहीं हुआ है इसीलिए वो बॉयल नहीं हुए है, पर साथ बाद में हम मिक्स कर देंगे। तो ये सारे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें ऑनियन, टोमेटो और कॉर्न, वो तीनों चाहिए। तो अभी ये गार्लिक को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। अगर आपको गार्लिक का यूज़ नहीं करना है तो आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वो आप पे मतलब डिपेंड करता है आपको कैसा खाना है। अगर राइस में और राजमा में आप गार्लिक डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर नहीं डालना है तो सिर्फ नमक और नींबू डाल के भी आप बना सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा फ्लेवर देने के लिए, और ठंड भी है तो गार्लिक अच्छा है, तो उसी वजह से मैं गार्लिक भी इसमें डालूंगी। तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख देती हूँ साइड में। अभी कर देते हैं किचन को एकदम क्लीन, क्योंकि क्लीन करेंगे उसके बाद ही हमें बनाने का मज़ा आएगा थोड़ा। तो हल्का सा जो बिखरा पड़ा हुआ था तो थोड़ा मैंने क्लीन कर दिया। अभी कुकर को नीचे मैं पहले ले लेती हूँ, और मैं रखूँगी इसमें राइस। राइस में पानी डाल दिया है, और स्लो फ्लेम पे राइस पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट राइस ही है, हमारा जो बेस बनेगा वो राइस से ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने राइस रख दिया है, उसमें डालूंगी मैं ऑयल ताकि हमारे खिले खिले चावल बने, इसलिए यहाँ पे राइस मैं रख रही हूँ साइड में। और मैंने सोचा कि अभी वेजिटेबल हमारे बना ही देते हैं, तो उससे पहले हम क्या बनाएंगे कि हमारा सार क्रीम बना लेंगे। तो वो आप क्या कर सकते हो कि आप है ना दही को थोड़ी देर कपड़े में डाल के उसको रहन दो, और उसको छोड़ दो वैसे 15 मिनट के लिए, तो वो आप सार क्रीम में यूज़ कर सकते हो। तो उसी में ही आप है ना नींबू नमक डाल के सार क्रीम बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। तो फ्रेश क्रीम में वो पहले तो है ना फ्रेश क्रीम थोड़ा हल्का सा ठंडा होना चाहिए, और अभी मैं विस्क ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो बस मिल गया अभी मुझे, और ये ले रही हूँ मैं फ्रेश क्रीम। और फ्रेश क्रीम को निकालेंगे हम बाउल में, और फिर उसमें डालेंगे हम नमक और नींबू। तो ये फ्रेश क्रीम मैं अभी थोड़ा सा ही ले रही हूँ, क्योंकि हम दो लोग के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। उसमें डालेंगे नमक और नींबू और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद है ना हमें वापस उसको रख देना है फ्रीज में। और ये मुझे है ना थोड़ा पतला वाला चाहिए था, क्योंकि खाने में बहुत मज़ा आता है, वो हार्ड वाला मतलब मिक्स करोगे आप तो मज़ा नहीं आएगा, मुझे पतला वाला चाहिए था इसलिए मैंने फ्रेश क्रीम लिया है, और साथ में ये लिया है चिपोटले मेयो। तो वो दोनों मिक्स करके मैं लूँगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तो यहाँ पे मैं विस्क कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो गया है। इसको अभी फ्रीज़र में रख रही हूँ मैं ऊपर, ताकि ये बहुत ही चिल्ड हो जाए, उसके बाद आप वापस मिक्स करोगे ना तो बहुत ही अच्छा सा कॉफी बन जाएगा। अभी साथ साथ में हमारे चावल भी पक रहे हैं, उसको भी चलाएंगे एक बार। और अभी मैं यहाँ पे पकाऊंगी वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल के लिए मैंने रख दिया है पैन, और उसमें डालेंगे हम हल्का सा बटर, और बाद में ये तुरंत ऑनियन डाल देंगे ताकि बटर हमारा जल ना जाए। तो ऑनियन को पकाएंगे, और इस ये सारी सब्जियाँ है ना थोड़ी क्रंची रहनी चाहिए, तो ज़्यादा नहीं पकाने हैं, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ बेटा ऑरेंज जूस ही पीना, अभी बना देती हूँ
और साथ साथ में हम चाल को भी चलाते रहेंगे। तो बस ऑनियन हल्के से हमारे पक चुके हैं और उसके बाद हम ऐड कर देंगे ये दोनों हमारे कैप्सिकम। और ये गए कैप्सिकम, बस हाई टू स्लो फ्लेम पे ही, हाई टू मीडियम पे ही हम करेंगे ताकि ये है ना ज़्यादा पके नहीं और हमारे वेजिटेबल क्रंची रहे थोड़े। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर और वापस मिक्स करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और साथ साथ में हम इसमें ओरेगानो और चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। अब हमने स्पाइसी किए, हाँ बेटा एक मिनट, ये बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच बीच में। आप जितना स्पाइसी करना चाहते हो उसी हिसाब से आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हो। बस ये हो गया है रेडी, अभी इसमें कुछ और नहीं डालना है, बस हमारा जो रेगुलर मसाला होता है ना वही डाल के ये हमने रेडी कर दिया है। बहुत ही अच्छा सा क्रंची सा ये हमारा वेजिटेबल्स रेडी हो गया है। तो इसको हम ठंडा करने के बाद एक कंटेनर में ले लेंगे। तो यहाँ पे राइस भी रेडी हो गए हैं ये सालसा के लिए, ये टमाटर और प्याज रेडी है। वही चिपोटले की सारी ऑलमोस्ट तैयारियाँ हो चुकी है और बीच में क्या हुआ कि कियान उठ गया ना, तो आधा अधूरा मेरा छूट गया था। तो यहाँ पे देखो राइस भी बन गया है मेरे, और यहाँ पे ये जो क्रीम हमने बनाया था ना उसमें मैंने ये डिप मिक्स कर दिया है, ये जो चिपोटले मैं बना था ना वो दोनों मिक्स करके फिर ये ऐसे बना दिया है जो उसके ऊपर डालेंगे। और कॉर्न भी हमारे यहाँ पे बॉईल हो गए हैं और ये भी रेडी है, तो ये मिक्स करेंगे वो सालसा जैसा बनाएंगे। इधर राजमा भी हमारा बॉईल हो चुका है, तो अभी राइस और राजमा दो ही बाकी है और सालसा बनाएंगे। ये डिप भी बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है, मैं अभी स्टैंड में लगाती हूँ फ़ोन तभी आपको अच्छे से दिखा पाऊँगी। हाँ तो पहले तो ये जो राइस है ना, हाँ बेटा तो हमारा ये एक तो रेडी है वेजिटेबल, इससे हम मिक्स करके वो बनाएंगे सालसा। वैसे तो आप को वो करके भी बना सकते हो जो पका के टमाटर को। इसको क्या करेंगे, इसमें ऑनियन टमाटर प्याज और हरा धनिया फिर डालेंगे, लेमन वैसे ये है बहुत ही आसान रेसिपी पर बहुत कुछ बनाना पड़ता है। लेमन गया और नमक डालेंगे, अभी कर देंगे। तो एक तो ये रेडी हो गया है, इसको भी हम साइड रख देंगे। ये जो मैं बता रही थी ना ये कुछ ऐसा है, देखो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें। और आप है ना ये थोड़ा स्पाइसी है तो ये मैंने कम बनाया है, और कियान के लिए बनाऊंगी ना तो वो सिर्फ ये वाला ही क्रीम डालूंगी मैं। और इसमें आप वो भी ले सकते हो अंकड़, ये दही जो होता है ना दही को थोड़ी देर आप कपड़े में बांध लो और जो बचता है ना उसमें फिर नींबू और नमक डाल के यूज कर सकते हो। अभी राइस और राजमा दोनों हम फटाफट से बना लेते हैं। वैसे आपको है ना इसमें और कुछ नहीं बनाया, नमक और नींबू डाल के ये दोनों बना सकते हो। और इसमें मैं थोड़ा गार्लिक डालूंगी, इसमें देखती हूँ पर राइस में गार्लिक डाल के थोड़ा बना लेते हैं। पैन रख दिया है, गैस करेंगे ऑन और हम डाल देंगे इसमें ऑयल, हल्का सा गर्म हो जाए। नींबू, नींबू ले लिए हमने, और वाकामोली रेडी हो गया है हमारा, और डिप जो है वो रेडी है,
फिर सालसा रेडी है, वेजिटेबल सलाद रेडी है और राजमा और राइस, बस इतना ही है और तो कुछ है नहीं ज़्यादा, शायद मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ, और चीज़ आएगा और नाचोस के साथ अगर आप खाना चाहो तो नाचोस आएंगे। चलो ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, उसमें डाल देंगे हम गार्लिक, हरा धनिया थोड़ा डालेंगे, ऊपर से भी डाल देंगे, अभी भी डाल रहे हैं। राइस बनाने के बाद इसी में ही राजमा बना लेंगे। बीन्स वैसे ये रेड भी शायद डिब्बे में मिलते हैं, डाल देंगे हम राइस, आप वैसे आप ये हल्का सा वो करके राइस के अंदर भी डाल सकते हो और ऐसे अलग से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। तो ये हमारे राइस हो गए हैं रेडी, नीचे बैठ जाओ ना, देखो राजमा चिली, ग्रीन चिली आप गुआकामोली में भी डाल सकते हो और कोई भी सलाद में भी डाल सकते हो, पर कियान फ्यूजन मैंने डाला नहीं है, मैं थोड़ा सा क्रश करके अलग से रखूंगी और वो ऊपर ही डाल देंगे हम। तो राइस हमारे रेडी हो गया है, हम निकालेंगे। उसमें भी सेम प्रोसेस, गार्लिक डालो, राजमा डालो, नमक, नींबू और धनिया, और ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, और स्पाइसी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, पर मैं नहीं डाल रही हूँ, है ना। ये गया गार्लिक, हल्का सा तेल में धनिया, डाल देंगे राजमा,
डालेंगे नमक। नमक खत्म हो गया, निकलना पड़ेगा मुझे। इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे। क्या हुआ? गिर जाएगा बेटा, हो गया है वो मिक्स, फिर आपके हाथ में लग जाएगा। देखो ये स्पाइसी है, देखो चखाओ। मैं इसमें ट्रांसफर कर लेती हूँ और इसमें डाल दूंगी मैं सैलेड वॉश करके। जब आएंगे तभी बनाएंगे साथ में, पता नहीं बनने के बाद खाने में कैसा लगेगा। अभी तो स्मेल इतनी अच्छी आ रही है ना कि ऐसा लग रहा है कि नहीं यम्मी बनेगा, यम्मी इंडियन कम्मी। चलो भाई, यहाँ पे राजमा उबल रहा है और ये हमारा राइस जो नज़दीक से सब कुछ दिखा देती हूँ। ये हमारा सालसा डिप भी बना सकते हो आप, वो आपको वैसे बाहर भी मिल जाएगा और घर पे भी बना सकते हो। और मैंने ये सैलड बनाया है, ये डाल दूंगी अभी धनिया। ये हो गया है रेडी, ये इसमें निकाल लेंगे। सब कुछ रेडी होने के बाद अभी आपको दिखाती हूँ क्या क्या इसमें मैंने बनाया है क्या नहीं बनाया है। देखो ये चिपोटले बाउल बोलो या बरी तो बाउल बोलो, जो भी आप बोलो, उसके लिए ये सारी तैयारियां हो गई है। और इसमें इतनी सारी मैंने तैयारियां करी है, आपने आगे वीडियो में देखा होगा कि कैसे बनाया। तो बता देती हूँ पहले तो कि चावल है, राइस है जिसमें नींबू नमक वो सब कुछ डाल, वैसे तो डिटेल में मैंने बताया। और फिर चिपोटले डीप है, फिर सार क्रीम है, वेजिटेबल्स है, ग्वाकामोली है, उसको शायद ग्वाकामोली बोलते हैं, ग्वाकामोली पता नहीं चीज़। और ये है सालसा और यहाँ पे है राजमा। तो बस इसका बाउल बनाएंगे, इसके साथ आप नाचोस भी और नाचो चिप्स भी खा सकते हो। हाँ बेटा ओके दो, हाँ चल हाँ सर। तो वही खाना वाना बना के मैं और कियान है ना जी, हम दोनों निकले थे नीचे जाने के लिए। चली तो हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे खेलने के लिए, फिर मुझे मार्केट भी जाना है ना कियान। कियान को मार्केट जाना है। हाँ भैया को हेलो कर दो, हेलो तो कर दो, नहीं करना ओके। चल आज क्या लेने जाना है,
सब्जी, क्योंकि आज सब्जी मंडी लगेगी तो सब्जी लेने भी जाना है, चढ़ाएंगे उसके बाद। डैडू नाचोस लेके आए कियान, हाँ हाँ डैडू क्या लेके आए? बाबा, हाँ बाबा, चलो इधर से, वो गंदा है, चलो इधर से आ जाओ। चिराग जो जो कौन से क्या लेके आए आप? नाचोस। ये आज क्या खाने वाले हो? ब्रिंकल ने बोला है क्या बनाने के लिए? चिपोटले। चिपोटले उसको है ना, चिपोटले को वैसे आप नीचे नहीं बैठा, वो रैप करके भी खा सकते हो, देखते हैं बाउल भी खा सकते हो। चलो चलते हैं। चलो बेटा, कॉकरोच कॉकरोच कितना बड़ा है, चलो बाइक कर लेगा फिर। चिराग मुझे सब्जी लेने जाना है। अभी नहीं। तो अभी नहीं, तो कब जाऊ? बाद में ले लेना यार, इतनी सी सब्जी लानी है। अरे मैंने ममता भाभी को भी बोल दिया है जाने के लिए, बाद में जाना। हे भगवान। गुड इवनिंग, आज चिपोटले खाने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही आप रेसिपी देखो दूसरे दिन ट्राई कर लेना, कि कमेंट भी आप कर सको। ब्यूरिंकल बनाना शुरू करते हैं। चिपोटले बोलो या बरीतो बाउल बोलो, जो भी बोलो। तो पहले हमारा बेस जाएगा राइस, तो हम डालते हैं पहले तो राइस। दोनों का ही बना लेते हैं, सब इसमें से खा लेंगे। ओके, नाउ राजमा, हम डालेंगे ये सालसा, अब जाएगा ये हमारा वेजिटेबल, कियान का बैकग्राउंड में आवाज बज रहा है। अभी डालेंगे हम ये हमारा डिप, और ये हमारा गुआकामोले। और इसके साइड में अगर ये डालना है तो ये भी डाल सकते हो, ये है सार क्रीम, पर मैंने इसमें दोनों मिक्स कर दिया है तो मैंने ये एक ही डाला है। और यहाँ रख देंगे हमारे नाचोस। क्या है रेडी हमारी केक, चलो खाने के लिए रेडी है ये। एक चीज तो भूल गई मैं, एक चीज डालना तो भूल ही गई, ये चीज भी डालेगा। अभी हुई रेडी, देखो हमारा यहाँ पे खाना चल रहा है। चिराग चिराग को पूछा बिना ही पहले के बोल दिया। नहीं अच्छा था ना? अच्छा लगा ना, पहली बार खाया पर बेस्ट लगा ना। हेल्दी भी है, ऑयल मसाले है नहीं, बट थोड़ा लिमिट ज्यादा हो गई है तो थोड़ा कम ही खाने का। वो बहुत मैंने देखा होगा कि एक थाली भर के लाइए तो दोनों मिल के इसमें से खा लेंगे ना। हाँ, और आपने अकेले ही वो खा लिया सारा? कोई नहीं, थोड़ा सा ही खाया, ज्यादा नहीं, इतना भी नहीं, मतलब इतना भी कम नहीं। कोई नहीं, चलो मैं वीडियो तो फटाफट आप लोग बनाइए और पता नहीं लगेगा आपको
कि कैसा लग रहा है, फटाफट खाइए। अभी जरा बोल नहीं पा रहे और ये भी अच्छा है ना डीप, चिराग इसमें डीप कर रहे हैं ग्वाकामोली में। ये घर की है ना? क्या किसकी है वो? घर पे बनाई होगी ना, पर है क्या उसमें? जमरूक। ये तो बहुत अच्छी है।